नाली का नाम सुनकर रूहा की घबराहट में इजाफा हो गया। इसने जल्दी से रिसीवर रख दिया। उधर अजय अभी रूहा के मुतल्लिक सोई रहा था कि सोनू दौड़ती हुई अजय की तरफ बढ़ी। भैया जल्दी से आओ, वो स्टीफर कुत्ता खुल गया है और लान में भागता फिर रहा है, इसने सारे पौधे खराब कर दिए हैं। भाई कोई बात नहीं, वो बेचारा हमेशा बंदा ही रहता है, अगर आज खुल ही गया है तो इसे थोड़ी ऐश करने दो। अभी ये बात अजय की जुबान पर थी कि इसकी टांगों के पीछे की जानिब से एक धचका लगा और वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। अजय ने अपना सर ऊपर उठाते हुए अपनी टांगों की तरफ देखा तो इस संजीदा माहौल में भी इसकी हंसी छूट गई। स्टीफर इसके पैरों के तलवे चाट रहा था। अजय ने इधर स्टीफर को प्यार किया और इसे एक लंबी जंजीर के साथ लॉन में बांध दिया। थोड़ी देर में कल मेज पर खाना लगा दिया। आज बहुत दिनों के बाद वो इस तरह इकट्ठे खाना खा रहे थे, वरना सुनाली की मौत ने तो इनकी भूख ही खत्म कर दी थी। वो लाख सुनाली को बुलाने की कोशिश करते, लेकिन यादों के झरोकों से सुनाली को कोई ना कोई ऐसी बात मिल जाती कि वो सब तड़प के रह जाते। खास तौर पर खाने के वक्त वो सुनाली को बहुत मिस करते। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दिलों को समझाया और तकदीर के इस फैसले पर सब्र करने की कोशिश कर रहे थे। वो सब इंतहाई संजीदगी से खाना खा रहे थे और हर एक अपने दिल की कैफियत एक दूसरे से छुपा रहा था। खाने से फारिग होकर वो सब टीवी लाउंज में बैठ गए। रात के 8:30 बजे का वक्त था। इनकी कोठी के बाहर गहरी तारीख की छाई हुई थी। सब अपने अपने घरों में मौजूद थे और बाहर खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। रात की तारीख में इनके लॉन में लगे घने दरख्त इंतहाई खौफनाक दिखाई दे रहे थे। इन्हें घने दरख्तों में से किसी एक दरख्त के साथ अजय कसया स्टीमर बंधा हुआ था। अजय स्टीफर का खाना लेकर लॉन में आया और खाना स्टीफर के आगे रख के वहां से इस कमरे की तरफ चल दिया, जहां सब घर वाले बैठे टीवी देख रहे थे। कमरे का दरवाजा दूसरी तरफ था, लेकिन खिड़की लॉन में खुली हुई थी जिसमें जाली की ग्रिल थी। इस खिड़की से तकरीबन सारा लॉन ही दिखाई देता था। लॉन में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। हर तरफ एक पुर इसरार खामोशी छाई हुई थी जिसमें छोटे छोटे जानवरों की खफीफ आवाजें बहुत बुलंद महसूस हो रही थी। स्टीफर अपनी अगली दो टांगे फैलाए बैठा हुआ था कि एकदम लॉन के एक घने दरख्त के तने बुरी तरह झूलने लगे, जैसे इस दरख्त में कोई बड़ा सा जानवर फंसा हो। स्टीफर ने ये आवाज सुनी तो वो खौफनाक अंदाज में गुर्राता हुआ जट से खड़ा हो गया, लेकिन जब इसकी नजरें इस दरख्त पर पड़ी तो वो जैसे पागल सा हो गया। इसने अपना चेहरा सुकेड़ दिया और अपने खूनखार दांत बाहर निकाल लिए। वो इंतहाई खूनखार अंदाज में गुर्राने लगा। इसके अंधेरे में चमकती आंखें कुछ ऐसा देख रही थी कि जिस्म के शदीद झटकों के साथ इस तरह बौंक रहा था कि पूरे लॉन में इसकी आवाज गूंज रही थी। अजय कल्पना और सोनी टीवी लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने कुत्ते के इस तरह भौंकने की आवाज सुनी तो वो कुछ परेशान हो गए। अजय स्टीफर बहुत अजीब अंदाज में भौंक रहा है, इसकी तो एक पल के लिए भी जबान अंदर नहीं हो रही, कल्पना ने परेशान कुन लहजे में कहा। छोड़े अम्मी, न्योला वगैरह देख लिया होगा इसने, अजय ने स्टीफर के भौंकने को नजरअंदाज कर दिया। जिस कमरे में वो सब बैठे हुए थे इसकी खिड़की लॉन की तरफ खुली हुई थी। इस खिड़की में सोनू की गुड़िया पड़ी हुई थी जिसकी जिसामत 4 साल की बच्ची के बराबर थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई प्यारी सी बच्ची खिड़की में बैठी है। स्टीफर मुसलसल भौंक रहा था। एकदम स्टीफर गुर्राता हुआ लॉन के दूसरी तरफ देखने लगा। इस तरफ घने दरख्तों की एक लंबी कतार थी जिसका रुख इस कमरे की तरफ था, जिस तरह वो खिड़की खुली हुई थी। थोड़ी ही देर में ना दिखाई देने वाले कोई खौफनाक चीज इन घने दरख्तों को चीरती हुई इस कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ी, जिससे देव हैकल घने दरख्त झूल के रह गए। स्टीफर के पौंकने का अंदाज मजीद खौफनाक हो गया। वो बेचैनी से अपनी जंजीर तुड़वाने की कोशिश करने लगा। अजय ने परेशानी में कल्पना की तरफ देखा। स्टीफर तो वाकई एक पल के लिए भी चुप नहीं हो रहा है, ये कहकर अजय खिड़की तरफ बढ़ा तो ये देखकर वो हैरान रह गया कि स्टीफर खिड़की की तरफ देखकर भौंक रहा है। अजय ने गुड़िया की तरफ देखा तो इसके जहन में ख्याल आया कि शायद स्टीफर इस गुड़िया को भौंक रहा है। इसने गुड़िया को वहां से उठाया और इसे सोनू के कमरे में रखाया और फिर टीवी लाउंज में सबके साथ बैठकर चाय पीने लगा। कुछ देर के बाद स्टीफर खामोश हो गया, जैसे वो गुड़िया को देखकर ही भौंक रहा था। 9:15 बजे तो अजय को ख्याल आया कि इसने मिस्टर इफ्तिखार को फोन करना है, लेकिन फिर इसने सोचा कि इस वक्त वो थके हुए होंगे, फोन सुबह कर लेगा।
10 बजे के करीब सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। इनमें तमाम दरख्त और पौधे रात की तारीकी में डूबे हुए थे। हर तरफ रात की इस दहशतनाक तारीकी का राज था। अजय अपने कमरे में लेटा सोनाली के कत्ल के बारे में सोच रहा था। इसे लेटे लेटे अचानक सोनाली की कुछ बातें याद आ गईं, जिसके साथ वो उठकर बैठ गया। सोनाली के फिक्रे इसके जहन में गूंजने लगे। जब इसने अपने साथ होने वाले चंद इसरार वाकयात का जिक्र किया था, अजय के जहन में वसवसे आने लगे। लेकिन फिर इसने अपने जहन को झटका दिया और जदीद अंदाज में सोचने लगा। लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया और इसकी कैफियत इंतहाई मुस्तरिब हो गई। वो अपने बिस्तर से उठकर चहलकदमी करने लगा। कल्पना भी अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। सोनू के कमरे की लाइट भी चली हुई थी। वो अपने बेड पर बैठी होमवर्क कर रही थी। सामने लकड़ी का कारनस पर वो गुड़िया पड़ी थी, जिसे अजय वहां रख गया था। सोनू अपने होमवर्क में मसरूफ थी कि एकदम इसका पेन लिखना बंद हो गया। ओह, ये इसको क्या हो गया? ये कहकर सोनू ने पेन को झटका दिया तो स्याही की जगह पूरा बेड खून के सुर्ख छींटों से भर गया। सोनू ने मासूमियत से पेन की तरफ देखा। इसमें तो काली स्याही थी, ये सुर्ख स्याही इसमें कहां से आ गई? अभी ये सवाल इसके मासूम जहन में उभर रहा था कि एकदम अलमारी में पड़ी हुई गुड़िया में से निस्वानी आवाज उभरी। सोनू, आज तुम मुझसे नहीं खेलोगी? सोनू जहां बैठी थी वहीं सुन होकर रह गई। गुड़िया को इस तरह बोलता देखकर वो सरासीमा होकर रह गई थी। वो तजुब खेद नजरों से इस गुड़िया की तरफ देखने लगी। तुम सिर्फ हंसती और रोती थी, ये आज बातें कैसी कर रही हो? पुर इसरार गुड़िया ने सोनू की बात सुनी तो वो इस तरह से हंसने लगी जिस तरह सोनू की गुड़िया हंसती थी। सोनू के चेहरों से हैरत की तमाम लकीरें गायब हो गईं और वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है भैया ने तुम्हारे अंदर कोई नई मशीनरी फिट कर दी है, तभी तुम इसी तरह बातें कर रही हो। ये कहकर सोनू अपनी जगह से उठी और इस पुर इसरार गुड़िया को अलमारी से निकालकर अपने साथ बेड पर बिठा लिया। गुड़िया सोनू के बेड से टेक लगाए बैठी हुई थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई 4 साल जीता जागता बच्चा बैठा हुआ है, जैसे इस रबड़ की गुड़िया में कोई भयानक रूह समा गई हो। अजय और कल्पना अपने अपने कमरों में लेटे हुए थे और मासूम सोनू इस पुर इसरार गुड़िया के साथ बैठी हुई थी और इस बात से बेखबर कि इस पर कोई उस्ताद गुजरने वाली है। सोनू ने इंतहाई मासूमियत से इस गुड़िया की तरफ देखता और मुंह ही मुंह में कहने लगी, पहले तो हंसती थी और फिर रोती थी, इसने मुझे रोकर दिखाया नहीं। ये अल्फाज अभी सोनू के मुंह में ही थे कि गुड़िया अपनी मशीनी आवाज में रोने लगी। गुड़िया रो रही थी और सोनू इसके रोने की आवाज सुनकर हंसती जा रही थी कि एकदम इसकी हंसी बंद हो गई। वो लरज कर रह गई। इसकी गुड़िया की खौफनाक आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। सोनू सहम के रह गई, लेकिन इस मासूम जहन इस खौफनाक हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था। इसने डरते डरते इस गुड़िया के चेहरे को छुआ तो इसका हाथ गाढ़े खून की चिपचिपाहट से भर गया। अपने हाथ की तरफ देखकर सोनू की आंखें बाहर को उबल पड़ी। खून इसकी जबान अटक गई, जिसके साथ ही इसकी कुव्वत गोयाई सलब हो गई। वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसके मुंह में इसकी अपनी आवाज ना रही। वो फटी फटी आंखों से इस गुड़िया की तरफ देखते हुए पीछे की तरफ सिरकने लगी और फिर तेजी से वो बेड से उतरने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो बेड से उतरती, भयानक गुड़िया के जिस्म से जिंदगी पैदा हो गई। इसका बाजू आहिस्ता आहिस्ता लंबा होने लगा और फिर इसके हाथ ने भागती सोनू की टांग पकड़ दी। सोनू यकदम लुढ़क गई और चीखने चिल्लाने लगी। पूरे कमरे में अजीब अजीब किस्म की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। फिर एकदम ही खूनखार गुड़िया के हलक से खौफनाक गुरगुराहट की आवाज आई, जिसके साथ ही इसने एक शदीद झटके से सोनू की टांग खींची और सोनू पटक कर इसके पास आ गिरी। फिर गुड़िया सोनू के सीने पर सवार हो गई। सोनू के हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। रबड़ की वो गुड़िया जिससे वो खेला करती थी एक खौफनाक बिल्ले का रूप धार चुकी थी। सोनू की आंखें बाहर को उबली हुई थीं और इसके हलक से घुटी घुटी आवाजें निकल रही थीं।